नमस्कार, मैं सुनील शर्मा महासेवा न्यूज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तमाम जो रियल एस्टेट में जो एक्सपर्ट हैं वो लोग शामिल हैं और हमारे स्टूडियो में, इसीलिए हमने इस पुस्तक के जो संपादक है और हाउसिंग गुरु के नाम से प्रसिद्ध रमेश प्रभु जी को इन्वाइट किया है। रमेश प्रभु जी, आपका खूब खूब स्वागत है। इस किताब को इनसाइक्लोपीडिया भगवद गीता कहा जा रहा है और जैसा आपने बताया कि तमाम एमसीएचआई क्रेडा रियल एस्टेट के जो तमाम एक्सपर्ट लोग हैं वो इसमें, उनका ज्ञान शामिल है और आपके संपादन में, क्या कहेंगे पुस्तक जो ये रियल एस्टेट की भगवद गीता आने वाले दिनों में इस रियल एस्टेट को जो ऑर्गेनाइज सेक्टर बनने जा रहा है उसको बूस्टअप देगी, उसको आगे गति देगी। देखिए, हमेशा कोई भी एक नया कानून आता है या कोई भी नया विचार आता है उसको शुरुआत में अवेयरनेस क्रिएट करना चाहिए। जब तक लोगों में इसके बारे में जानकारी नहीं होता है तो आगे कदम नहीं उठा सकते। हमने इस किताब में प्रयास ये किया लोगों को रियल एस्टेट क्या है, उसका कौन सा कायदा नियम लागू है और उसका रेगुलेटरी सिस्टम किस तरह से बनने जा रहा है, तो आने वाला दिन में सिस्टम कैसा बदलने वाला है, ये पूरी जो चीज इसमें शामिल किया है। ये किताब में महत्वपूर्ण जो चैप्टर बना है वो 75 चैप्टर्स में आप देखेंगे कि एक्टिविटी वाइज चैप्टर्स है। एक उदाहरण के लिए मैं कुछ आपको बताऊंगा, जैसा कि आप देखेंगे कि ये जो है ये सब स्टडी ग्रुप हमने बनाया। ये जो स्टडी ग्रुप में जो अच्छे अच्छे लोग हैं, जैसे कि मैंने बताया एस एस संधू साहब जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल, गौतम चटर्जी जो रेरा का अध्यक्ष थे, पहला अध्यक्ष, उसी तरह सुमंत कोले जो जुडिशियल मेंबर एपलेट ट्रिब्यूनल, वीरी कपाटिस जो है वो फॉर्मर मेंबर ऑफ रेरा, उसी तरह से हरदरे साहब जो टेक्निकल ऑफिसर रेरा, और ऐसे बहुत सारे लोग तो इसमें सब शामिल है, और ऐसे बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और सब लोग सॉलिसिटर्स, ऐसे 105 आदमी का ग्रुप है। और जैसा मैंने बताया 4 महीने के अंदर ऑल्टरनेट डेज हमने अभ्यास करके एक किया। जैसे मैंने बताया इसको 10 चैप्टर में 10 भाग में हमने डिवाइड किया। पहला भाग है जनरल एप्लीकेबल टू ऑल स्टेक होल्डर, क्योंकि ये जो आदमी जो रेरा शुरुआत में जानना चाहते हैं उनको 1 से लेकर 9 चैप्टर तक समझना चाहिए ताकि आपको इजीली मालूम पड़ेगा। और उसके बाद पार्ट 2 में हमने जैसे बताया प्रमोटर, इनको हमने 17 चैप्टर्स दिया, 1 चैप्टर से लेकर 17 चैप्टर जो है ये पूरी जानकारी। एज ए प्रमोटर यदि बिजनेस आप चालू करना चाहते हो तो आपका क्या दायित्व है, लैंड ओनर का दायित्व क्या है, पूरी चीज आपको सेकेंड पार्ट में। तीसरा जैसे मैंने बताया रियल एस्टेट एजेंट, 5 चैप्टर दिया, तो 5 चैप्टर में एस्टेट एजेंट का रजिस्ट्रेशन अपडेट या उनका क्या किताब रखना है, उसका रोल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। उसी के बाद हमने पार्ट 4 में जैसे अलॉटिस, अलॉटी के लिए हमने लगभग 7 चैप्टर दिए, तो इसमें कंसिलेशन फॉर्म भी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्मेट भी दिया, अलॉटी का एप्लीकेशन कैसा होगा, फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, और सोसाइटी कैसा बनेगा, उसमें अलॉटी कैसा बनेगा, यदि प्रोजेक्ट स्टॉल होता है तो क्या होगा, स्टॉल होने का प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कैसा हो सकता है, ये पूरी जानकारी पार्ट 4 में। पार्ट 5 आप देखेंगे जिसमें प्रोफेशनल, अल्टीमेटली ये जो रेरा चाहती है कि ये प्रोफेशनल के थ्रू ड्रा हो। प्रोफेशनल मतलब तो उन्हें आर्किटेक्ट, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट, सॉलिसिटर, तो ये जो प्रोफेशनल के लिए हमने 10 चैप्टर दिया, क्योंकि किस तरह से टाइटल रिपोर्ट बनना चाहिए, उसके बाद किस तरह से उन्होंने अपना फॉर्म नंबर 1 जो आर्किटेक्ट देता है, फॉर्म नंबर 2 एक इंजीनियर देता है, 2 ए इंजीनियर देता है, 3 फॉर्म आर्किटेक्ट CA देता है, फॉर्म नंबर 4 आर्किटेक्ट देता है, फॉर्म नंबर 5 जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, तो किस तरह से देगा, उसका ऑडिट किस तरह से किया चाहिए, उसमें किस तरह का एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। उसके बाद हमने पार्ट 6 में जैसा विमोचन करते हैं और आज वो किताब उनके एक CA मनीष गड़िया जो अध्यक्ष है उनका नेतृत्व के अंदर हमने इसको किया है, टैक्स में इसको पब्लिश करना, आज अमेजोन में ऑनलाइन में आपको उपलब्ध है ये किताब। हमारा ऑफिस जो महाराष्ट्र सोसाइटी वेलफेयर एसोसिएशन है जिसका मैं अध्यक्ष हूँ अंधेरी में, ये भी उधर उपलब्ध है, आप हमारे जो महासेवा के नंबर से उन पर संपर्क कर सकते हैं इसके लिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को, महत्वपूर्ण वीडियो को आप महासेवा न्यूज के वेबिनार्स और महासेवा न्यूज के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, जो महासेवा के ऑडियंस है रेगुलर वो, और जो हमारे हाउसिंग गुरु रमेश प्रभु जी के चाहने वाले तमाम लोग, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आज मुझे यानी सुनील शर्मा को और मेरी पूरी टीम को प्रभु सर के साथ में दीजिए इजाजत। नमस्कार।
धन्यवाद।